हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुप्रीम 60 इंस्टीट्यूट। मैं विकास सर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जिसमें आपको एकेडमिक से लेके कम्पिटेटिव एग्जाम तक के कंटेंट को मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। जैसे आप जेई मेंस एडवांस और नीट यूजी के एस्पिरेंट हैं, उसमें भी आपको हेल्प मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको प्रैक्टिस के लिए असाइनमेंट या DPP की ज़रूरत है तो गूगल प्ले स्टोर पर जाके हमारे सुप्रीम 60 इंस्टीट्यूट का एप्लीकेशन डाउनलोड करें, जहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट असाइनमेंट DPP प्रोवाइड किया गया है। थैंक यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इनिशियल चैप्टर, पहला चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं, जो IUPAC नॉमेनक्लेचर से उसका इंट्रोडक्शन होता है। जैसे कि हम पूरे चैप्टर को या किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि हम उसका इंट्रोडक्शन देख लें कि कैसे हम लोग शुरू करने वाले हैं। बेसिकली अगर हम किसी कंपाउंड को सबसे पहले देखते हैं तो हमारे अंदर ये क्यूरियोसिटी आती है कि यार इसका नाम क्या होगा। स्ट्रक्चर तो देख लिया, पहचान लिया, लेकिन अगर हम किसी को बोले हैं कि ये कंपाउंड है क्या, तो हर किसी को तो हम तो दिखा सकते नहीं। यानी हमें नाम वाइज हर स्ट्रक्चर का कुछ ना कुछ नाम जो है पता होना चाहिए। इसी के बेसिस पे हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर को डिफाइन किया कि जैसे कोई एक स्ट्रक्चर आपके सामने आया, उस स्ट्रक्चर को अगर आपको किसी दूसरे से या दूसरे को किसी तीसरे से बोलना है तो तीनों की बातें आपस में मर्ज ना हो, एक ही मैसेज जाए भैया हमने ये नाम बोला, तो इट मींस कि उसका एक ही स्ट्रक्चर है। तो बेसिकली नॉमेनक्लेचर में हम लोग किसी कंपाउंड का एक नाम डिफाइन करेंगे। जैसे कि रोजमर्रा के जीवन में भी हम हर किसी से अगर किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले होता भैया कि हमारा नाम ये है, फिर हम अपनी बात आगे करते हैं जो भी कन्वर्सेशन हमारी होती है। तो इसीलिए सबसे पहले हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो पढ़ने वाले हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले प्रयास करेंगे क्या क्या कंपाउंड होने वाले हैं, कितने टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें नजर आने वाले हैं और हमें क्लासिफाई किस तरीके से किया गया। अब बार बार मैं इस बात का जिक्र कर रहा हूँ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, सबसे पहले ये बात भी समझना जरूरी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्चुअली होता क्या। तो आप पहले से कुछ प्रीवियस क्लासेस में ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपके पास होगी। जैसे आप अपने आसपास के सराउंडिंग में देखें, जितने लिविंग थिंग्स हैं वो आसपास या फिर नॉन लिविंग थिंग्स हैं रिलेटिव टू ऑर्गेनिक कंपाउंड है। चाहे आप ह्यूमन बॉडी सेल है, चाहे आप कोई फ्यूल के बारे में बात करें, चाहे आप किसी डिटर्जेंट के बारे में बात करें, चाहे आप जो भी आसपास आप देख लें, सब में कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही मिलके बना हुआ है। आप ड्रग्स लेते हो, कोई ड्रग्स वगैरह मेडिसिन वगैरह मार्केट में अवेलेबल है, वो सब क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है। कोई व्हीकल्स है, जो व्हीकल्स आज चल रहे हैं, पेट्रोल है, डीजल है, ये सब व्हीकल्स में जो पेट्रोल डीजल है ये सब किससे बने हुए हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स से बने हुए हैं। ठीक है, आपके सराउंडेड LPG है, CNG है, ये सब जो भी है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही बने हुए हैं, उसके कन्वर्टेड फॉर्म है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक बहुत ही बड़ा रोल है आपके आसपास जो भी दिनचर्या में शामिल हो रहा है उसका। तो इसका अगर मैं बात करूं सबसे पहले कि मेन फंडा क्या है, क्या मेन कंस्टिट्यूएंट्स होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के, तो एज यूजुअल आप जानते हैं कि मेन फंड जो इसमें ऑर्गेनिक में एटम मॉलिक्यूल शामिल होते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है, कार्बन का और हाइड्रोजन का। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि भैया कि ह्यूमन बॉडी में DNA हुआ, मेडिसिन हुआ, सॉप हुआ, डिटर्जेंट हुआ, फ्यूल हुआ, या फिर आसपास की जो भी चीज़ें हैं आप देख रहे हैं वो सब कहीं ना कहीं जिसे आप कार्बनिक यौगिक बोल रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलके बने हुए हैं सब। अब मैं ज़्यादा डिटेल्स में बातें नहीं करना चाहता इस लेवल पे कि भैया कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बन का जन्म कहाँ से हुआ या फिर कैसे किसी ने सोचा, क्योंकि फिर हमें पॉइंट टू पॉइंट बातें करनी है, जो कंटेंट हमारे मतलब का है उसके बारे में बात करना ज़्यादा बेटर होगा। तो हमने अभी आपको बता दिया कि भैया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेशन क्या है, आसपास हमारे सराउंडिंग में ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, कैसे कैसे क्या होते हैं, ये सब है। और एक बात और खास बात यह है कि अगर हमें किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाना है तो यार ऐसा नहीं कि हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड से शुरू किए और ऑर्गेनिक कंपाउंड पहुंच गए। किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस को, ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर करने के लिए हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड से शुरुआत करनी पड़ती है। तो इतनी सारी बातें आई होप
काफी हद तक आपको क्लियर करती हैं कि ऑर्गेनिक का रोल क्या है आसपास, जो अपन लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं आसपास देख रहे हैं। तो बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर जो हम लोग ले रहे हैं वो क्या है, IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसे हम लोग IUPAC के वो नॉमेनक्लेचर, IUPAC नॉमेनक्लेचर, जो भी अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं, सबसे पहला क्या है, नॉमेनक्लेचर। अब नॉमेनक्लेचर में ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर है तो सबने एक छोटी सी डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन किया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर एक दो लाइन में कुछ बातें बोली जाए जिससे बहुत ही स्पष्ट हो जाए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या है तो ज़्यादा बेहतर है। तो छोटी सी डेफिनेशन है उसे लिख लेंगे, फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में और ढंग से बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने छोटी सी बात मेंशन की, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब नाम से ही काफी हद तक आप समझ पा रहे होंगे, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है, हाइड्रोजन एंड कार्बन कंटेनिंग। अब इसके लिए हम बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। हाइड्रोकार्बन का मतलब अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने मेथेन ले लिया, आप थोड़ा बहुत इससे परिचित हैं, अभी मैं नहीं जानना चाहता कि आपको मेथेन पता है कि नहीं पता है, बस हाइड्रोकार्बन समझिए। और आई होप कितना पता भी होगा यार, क्योंकि आप इस समय 10th मूविंग में है या फिर 11th मूविंग में है, अब इतना सारी बातें आपको पहले से कुछ पता होती हैं। जैसे कि ये सब जो है हाइड्रोकार्बन हमने लिया, अच्छा ये क्या है यार, हाइड्रोजन कार्बन, अभी तक ये दोनों लिखा गया था, ये उसमें केवल क्या थे, हाइड्रोकार्बन थे, हाइड्रोकार्बन थे, इसमें हाइड्रोजन कार्बन के अलावा एक क्लोरीन आया, इसको हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे और भी मैं चेंज करूं तो यहाँ पे मैं OH ले सकता हूँ, ये भी हाइड्रोकार्बन का क्या है, डेरिवेटिव है। जैसे मैं और कुछ ले सकता हूँ, NH2 मेंशन कर दिया, बहुत सारे मैं लिख सकता हूँ। ये हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन केवल है, अगर कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई एटम प्रेजेंट है, क्लोरीन हुआ, सल्फर हुआ, फास्फोरस हुआ, ऑक्सीजन हुआ, हैलोजन हुआ, या कोई भी एटम अवेलेबल है, तो वो हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव बोला जाने वाला, ठीक है। तो ये बातें बहुत ही स्पष्ट है, दीज आर कैपेबल फॉर कैटनेशन प्रॉपर्टी। जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो कैटनेशन प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब ये कैटनेशन प्रॉपर्टी क्या होगा इसको समझते हैं, कैटनेशन प्रॉपर्टी, तो नई हेडिंग लिखेंगे कैटनेशन प्रॉपर्टी। कैटनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है, एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी गई होगी, इसे आप पढ़ते हैं, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट ड्यू टू विच इट फॉर्म लॉन्ग चेन बाई लिंकिंग ऑफ लाइक एटम। किसी एटम की वो प्रॉपर्टी जो आपस में जुड़ के एक लॉन्ग चेन कंपाउंड क्रिएट करे, उस प्रॉपर्टी को हम कैटनेशन प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बोला कि भैया यहाँ देखिए कार्बन कार्बन जुड़े हुए हैं, कार्बन कार्बन जुड़े हुए हैं, कार्बन कार्बन जुड़े हुए हैं, तो पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर मैं बात करूँ तो कार्बन एक ऐसा एटम है जो सबसे ज़्यादा टेंडेंसी रखता है लॉन्ग कार्बन चेन, ब्रांच कार्बन चेन बनाने की, ठीक है। तो अगर अब आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछूं इसी से रिलेटेड, जैसे मैंने इसी से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा, व्हिच एलिमेंट हैज मैक्सिमम कैटनेशन प्रॉपर्टी। यहाँ पे आपको चार अलग अलग ऑप्शन में चार अलग अलग एटम दिए गए हैं, एलिमेंट दिए गए हैं, पूछ रहा है किस एटम की कैटनेशन प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा है। अच्छा, कैटनेशन प्रॉपर्टी का नाम आते ही आपको ये बात समझ में आता है, यानी एक हमें ऐसे एटम के बारे में बात करना है जिसकी टेंडेंसी ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को जोड़ के लॉन्ग चेन या ब्रांच चेन बनाने में सक्षम हो, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। क्या हाइड्रोजन, भैया हाइड्रोजन 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 के साथ जुड़ के लॉन्ग चेन बना सकता, नहीं, हाइड्रोजन के बारे में तो हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हाइड्रोजन मोनोवेलेंट है, वो किसी के साथ दो बांड नहीं बनाता। कार्बन के बारे में बात करें तो भैया सबसे ज़्यादा कार्बन ही है, इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम हाइड्रोकार्बन के बारे में बात कर रहे हैं, वो कार्बन ही एक ऐसा आइटम है जो सबसे ज़्यादा एग्जिस्ट करता है लॉन्ग ब्रांच कार्ब चेन फॉर्मेशन में। तो सल्फर भी इतना ज़्यादा बांध, ठीक है, यस एट एग्जिस्ट करता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है 15-20 सल्फर एक साथ जुड़ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है उस तरीके से, और बहुत ज़्यादा कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता सल्फर के, नाइट्रोजन ही ऑलमोस्ट। यानी इन चार ऑप्शन में अगर मैं चार एलिमेंट में कुछ आंसर पिक कर पा रहा हूँ, हाइड्रोजन कार्बन कार्बन और सल्फर और नाइट्रोजन में, तो वो कार्बन है।
अच्छा, इसके पीछे लॉजिक क्या है कि भैया कार्बन ही इतना क्यों है? तो कार्बन की खास बात यह है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी एग्जिस्ट करता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी एग्जिस्ट करता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी एग्जिस्ट करता है। इस वजह से उसकी काफी हद तक प्रॉपर्टी मल्टीपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के साथ भी मैच करती है। उसी वजह से हमें कार्बन ज्यादा सुटेबल नजर आया। फिर देखते हैं इसका रीजन एक्चुअली थोड़ा सा। जैसे मैं बात कर रहा था कि कार्बन वो ऐसा आइटम है जिसके पास मैक्सिमम कैटनेशन टेंडेंसी होती है, मैक्सिमम कैटनेशन प्रॉपर्टी होती है। इसका कारण क्या है देखेंगे। इसमें लिखा है टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन आइटम, ये बात हम लोग जानते हैं, ठीक है, कि कार्बन चार बॉन्ड बनाता है। स्मॉल साइज ड्यू टू व्हिच हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड अप्रोक्स 100 किलो कैलोरी पर मोल। अच्छा, किसी एटम की टेंडेंसी मैक्सिमम चैन बनाना, ये तो बात सही है, लेकिन उस चैन के साथ उसकी स्टेबिलिटी और एनर्जी का भी तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। वही कार्बन चैन, वही ब्रांच चैन स्टेबल होगा जब हम उसकी स्टेबिलिटी की बात करेंगे। अगर वो स्टेबल नहीं हुआ तो बना के भी ब्रेक हो जाएगा, मतलब एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम इसके बारे में ये सोच रहे हैं कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की एनर्जी ज़्यादा होती है, मतलब आसानी से कार्बन कार्बन ब्रेक नहीं हो पाएगा। अच्छा, अगर कार्बन की जगह भैया अभी हम सल्फर की बात करें, ऑक्सीजन की बात कर रहे थे, वो सिंगल बॉन्ड है, वो उतना स्ट्रांग बॉन्ड नहीं होता है। अगर बात करें दूसरे आइटम की बात करें तो कहीं ना कहीं हर किसी के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ है कि वो डबल बॉन्ड नहीं बनाता, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाता, कोई लॉन्ग चेन के साथ उतना एनर्जी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उसकी कम होती है। तो कार्बन के साथ ये बातें सारी होल्ड करती हैं कि भैया कि कार्बन ही एक ऐसा आइटम है जिसके साथ मल्टीपल बॉन्ड और जो है जैसे कि डबल ट्रिपल और सिंगल बॉन्ड में शो करता। अब तो हम ये तक ये समझ पा रहे हैं कि कार्बन एक ऐसा आइटम है जिसकी मैक्सिमम कैटनेशन प्रॉपर्टी है, यानी पूरे ऑर्गेनिक में हमें कार्बन से रिलेटेड ही लॉन्गेस्ट कार्बन चैन या ब्रांच चैन, ठीक है, या रिंग कंटेनिंग कार्बन हमें देखने को मिलने वाला है। ये बात तो खत्म हुई। अब अगली बात पे आते हैं कि अगर हमें अभी तक हाइड्रोकार्बन ही या कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को ही पढ़ना है तो क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे कि इनिशियली हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है और किस किस तरह से हमें वो नज़र आने वाला है। तो अगली बात करेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की। हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बात कर रहे थे। दे आर क्लासिफाइड एज फॉलो। ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनिशियली हम लोग दो पार्ट में अलग कर रहे हैं। सबसे पहला ओपन चैन या एसाइक्लिक या एलिफैटिक कंपाउंड। पहले वाले को या ओपन चैन बोले या एसाइक्लिक बोलो या एलिफैटिक कंपाउंड बोलो। दूसरा क्लोज चैन, साइक्लिक या रिंग कंपाउंड। यानी शुरुआत में हमें दो तरह के कंपाउंड नजर आएंगे, या तो वो रिंग कंटेनिंग कंपाउंड होंगे या साइक्लिक होंगे, मतलब वही बात है रिंग या साइक्लिक। दूसरा ओपन चैन होंगे, ठीक है, दो तरीके से तो हम लोग क्लासिफिकेशन कर लिया। फिर ओपन चैन या एसाइक्लिक या एलिफैटिक में दो तरीके से होंगे, एक स्ट्रेट चैन होंगे, एक ब्रांच्ड चेन होंगे। स्ट्रेट चेन का मतलब सीधे सीधे चला जाए 2, 4, 5, 10, 15, 25 कार्बन का। ब्रांच का मतलब है 2-4 कार्बन स्ट्रेट चेन में हो, 1-2 ब्रांच लगे हो, तो उसको इस तरीके से क्लासिफाई किया गया। अच्छा, अगर क्लोज चेन या रिंग है तो उसमें क्या क्या पार्ट हो सकते हैं। क्लोज चेन रिंग कंपाउंड में या तो होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का मतलब क्या होता है, रिंग ऐसा रिंग जिसमें केवल कार्बन आइटम हो, कार्बोसाइक्लिक मतलब कार्बन कंटेनिंग रिंग, ठीक है, या हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड मतलब कार्बन के अलावा कोई भी आइटम भी उसमें प्रेजेंट हो रिंग में, उसे हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोलेंगे। होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक में दो पार्ट हैं, एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एक एरोमेटिक कंपाउंड। तो जितने तरीके के क्लासिफिकेशन हमने अभी तक यहाँ पे लिखा है, इतने ही तरीके के क्लासिफिकेशन हम लोग, इतने तरीके के कंपाउंड हम लोगों को नज़र आने वाले हैं, इतने तरह के कंपाउंड को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसे देख लीजिए, उसके बाद एक एक करके समझते हैं कि क्या ओपन चेन होता है, क्या क्लोज चेन होता है, क्या स्ट्रेट ब्रांच क्या होता है। एक एक करके हर क्लासिफिकेशन को हम थोड़ा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे।
पहली क्लासिफिकेशन में लिखा गया ओपन चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड का मतलब क्या है? इन दिस कंपाउंड कार्बन एटम आर ज्वाइंट टू फॉर्म ओपन स्ट्रेट या ब्रांच चेन कंपाउंड। ओपन चेन में बोला गया है कि क्या कंपाउंड हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर मैं बात करूं CH3, कुछ इस तरह से CH3, CH2, ये देखिए, अगर आप इसमें देख पा रहे होंगे सब के सब स्ट्रेट चेन है, सब सीधे सीधे चेन बने हुए हैं, इसमें कोई ब्रांच नहीं है, इसीलिए इसे क्या बोल रहे हैं? स्ट्रेट चेन कंपाउंड। दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है? ब्रांच्ड चेन, यानी स्ट्रेट के साथ साथ कुछ ब्रांच भी कंटेन कर रहा हो। जैसे इसमें देखिए आप स्ट्रेट चेन के साथ साथ एक ब्रांच भी इसमें है, एक स्ट्रेट चेन होने के साथ साथ इसमें ब्रांच भी है, इसमें स्ट्रेट चेन होने के साथ साथ कुछ ब्रांचेस भी हैं, तो इसे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ब्रांच्ड चेन कंपाउंड। तो आई होप आपको स्ट्रेट चेन कंपाउंड और ब्रांच चेन कंपाउंड में थोड़ी सी फर्क समझ में आया होगा। अच्छा, अब ब्रांच चेन या स्ट्रेट चेन में दो बातें और हो सकती हैं। स्ट्रेट चेन में या तो सेचुरेटेड हो या अनसेचुरेटेड हो, ब्रांच चेन में भी या तो सेचुरेटेड हो या अनसेचुरेटेड हो। अब ये सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड क्या है, इसको भी थोड़ा समझते हैं। एक नया टर्म्स आया सेचुरेटेड कंपाउंड। सेचुरेटेड कंपाउंड क्या बोला गया है? द कंपाउंड हैविंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड विथ sp3 hybridized। अच्छा, जैसे आपने बोल दिया कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, वैसे ये बात अपने आप होल्ड करेगी कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑलवेज sp3 hybridized होता है, नोन एज सेचुरेटेड कंपाउंड। सेचुरेटेड कंपाउंड का मतलब कार्बन चेन हो या रिंग कार्बन हो या ब्रांच हो, चाहे जैसा भी हो, अगर उसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ही केवल है, तो उसे हम लोग किस फॉर्म में कैटेगराइज किए हैं? सेचुरेटेड। अब इसके लिए भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे हमने ये लिख दिया, अब इसमें देखिए कोई डबल बॉन्ड नहीं है। दूसरा आप ले सकते हैं, इसमें भी कोई डबल बॉन्ड हमने नहीं। अब मैंने ये तो कहा नहीं कि इसमें केवल स्ट्रेट चेन हो सकते हैं, ब्रांच हो सक भी हो सकते हैं। मैं यहाँ पे केवल बात किसकी कर रहा हूँ? सेचुरेटेड की बात कर रहा हूँ। तो सेचुरेटेड का सेंस बस इतना सा है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। बहुत सारे कंपाउंड हो सकते हैं, जितना चाहे आप उतना लिख सकते हैं। अगर केवल कार्बन कार्बन ही सिंगल बॉन्ड पूरे कंपाउंड में है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? सेचुरेटेड कंपाउंड। ऑब्वियसली अब हम दूसरी सेंस में बात करने वाले हैं, अनसेचुरेटेड। अच्छा, आप जैसे सेचुरेटेड आपको समझ में आता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड को सेचुरेटेड बोलते हैं, तो अनसेचुरेटेड किसे बोलेंगे? ऑब्वियसली मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड को बोलेंगे हम लोग अनसेचुरेटेड। मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी हो, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी हो, अगर ऐसे कोई कंपाउंड है तो उसे क्या पढ़ेंगे हम लोग? अनसेचुरेटेड कंपाउंड। तो अगली बात लिख लेंगे, अनसेचुरेटेड में क्या लिखा गया? द कंपाउंड हैविंग कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, ब्रैकेट में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब ही है, या तो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, नोन एज अनसेचुरेटेड कंपाउंड। यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है, बहुत सारे एग्जांपल हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। सपोज दैट हमने कुछ ऐसे लिख लिया, इसे क्या पढ़ेंगे? अनसेचुरेटेड। ये क्या है? अनसेचुरेटेड है। ये क्या है? अनसेचुरेटेड है। ये सारे के सारे आपको नजर आएंगे अनसेचुरेटेड। अब किसी के दिमाग में ये ना आए कि सर यहां पे तो अनसेचुरेटेड भी है, सेचुरेटेड भी है, तो क्या पढ़ें इसे, सेचुरेटेड या अनसेचुरेटेड? बेटा, अगर किसी भी कंपाउंड में कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उसे अनसेचुरेटेड कंपाउंड ही पढ़ेंगे। ओके, तो इसे आप देख लीजिए। दूसरे क्लासिफिकेशन पे आते हैं, क्लोज चेन या साइक्लिक या रिंग, जो भी आप बोले। इसका मतलब दे कंटेन रिंग ऑफ एटम, हेंस कॉल्ड क्लोज चेन या रिंग कंपाउंड।
अब जो कार्बन स्ट्रेट चेन या ब्रांच चेन फॉर्म करते थे, अब वही कार्बन रिंग फॉर्म करेंगे, यानी जो कार्बन एटम होगा वो रिंग का पार्ट होगा। कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये है, इसमें अगर आप देख रहे हैं CH2, 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 इस बार ये CH2, CH2 एक डिफरेंट मैनर में अरेंज है, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है, CH2, 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 ये है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, क्लोज चेन या साइक्लिक या रिंग कंपाउंड कहते नजर आने वाले हैं। जैसे अगर ये देखिए CH2, 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 एक साइक्लिक फॉर्मेशन में CH2 कार्बन अटैच है, इसको इस तरह से फॉर्मेट कर में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए CH2, 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 यहाँ पे CH2, CH2 एक साइक्लिक मैनर में अरेंज है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी ये CH2, CH2, CH2 सब साइक्लिक मैनर में अरेंज, इस तरह से। इन सब का भी एक प्रॉपर नाम होता है, अभी हम इस बात में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है कि इस कंपाउंड का नाम क्या है, अभी हम हर क्लासिफिकेशन के मीनिंग को समझ रहे हैं, दैट्स इट। अगले क्लासिफिकेशन पे आते हैं, होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। देखते हैं होमोसाइक्लिक कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड किसे बोल रहे हैं। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स कंटेन रिंग्स व्हिच आर मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एटम। कह रहा होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो केवल और केवल कार्बन से ही मिलकर रिंग बने हो। फिर बोला गया होमोसाइक्लिक कंपाउंड आर आल्सो नोन एज कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। ऑब्वियसली होमोसाइक्लिक का मतलब कार्बोसाइक्लिक, क्योंकि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को ही हम होमोसाइक्लिक बोल रहे हैं, फिर उसे हम कार्बोसाइक्लिक भी बोल रहे हैं। होमोसाइक्लिक कंपाउंड आर फर्दर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। दो तरीके से होमोसाइक्लिक कंपाउंड को डिवाइड किया गया है, एक एलीसाइक्लिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड, दूसरा एरोमेटिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड। यानी होमोसाइक्लिक कंपाउंड को बोला गया इनिशियली कि पहले भैया कार्बन कार्बन से मिलके बने हुए रिंग को हम लोग होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक बोलेंगे। साथ ही बोला गया कि अब दो तरीके की हम लोग कार्बोसाइक्लिक पढ़ेंगे, एक एलीसाइक्लिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड, एक एरोमेटिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड। अब ये दोनों क्या क्या है इसको अलग से पढ़ते हैं। अगले क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम बोला गया एलीसाइक्लिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड। जो अभी हम लोग होमोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में बात कर रहे थे उसमें से पहला पार्ट एलीसाइक्लिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड क्या है ये पढ़ते हैं। दीज आर ऑल्दो साइक्लिक बट रिजेंबल ओपन चेन कंपाउंड। ये साइक्लिक तो होते हैं लेकिन ओपन चेन की तरह रिजेंबल खाते हैं, ऐसा क्यों, हेंस कॉल्ड एलीसाइक्लिक। एलीसाइक्लिक का अगर अलग अलग मीनिंग देखें तो एलीसाइक्लिक का मतलब एलीफैटिक साइक्लिक प्लस साइक्लिक। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड, इसको एक अलग नाम से जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, पॉलीमिथाइलिन्स, इसे पढ़ते हैं पॉलीमिथाइलिन्स या साइक्लोएल्केन्स या फिर साइक्लोपैराफिन्स। इस सब का मीनिंग एक ही है, पैराफिन्स का मतलब होता है एल्केन यार, ठीक है, पुराना नेम है एल्केन का, और साइक्लो मतलब साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्केन या साइक्लोपैराफिन्स, ये सब नाम हैं जो अलग अलग तरीके से यूज किए जाते हैं। अब इसमें एग्जांपल्स लेते हैं क्या क्या हो सकते हैं। जैसे अब इसमें अगर बात करें, देयर जनरल फार्मूला CnH2n, CnH2n, ध्यान दीजिएगा ये इसका जनरल फार्मूला है, किसी साइक्लोएल्केन या साइक्लोपैराफिन्स या पॉलीमिथाइलिन्स का जनरल फार्मूला CnH2n होगा। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, वही सारे एग्जांपल, जैसे n की वैल्यू अगर 3 हो जाए तो करस्पॉन्डिंग C3H6 हो जाएगा। C3H6 से रिलेटेड अगर स्ट्रक्चर बनाए तो ये CH2, CH2, CH2 ये हो जाएगा, यानी
कुछ इस तरह से। अभी हम नाम नहीं हम बता रहे हैं इसका क्या होगा, लेकिन आप समझ सकते हैं साइक्लो आएगा, पैराफिन मतलब एल्केन, एल्केन मतलब जितने कार्बन हो तीन हो तो साइक्लोप्रोपेन ही हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर एन की वैल्यू 4 हो जाए तो हो जाएगा C4H8, तो C4H8 के रिगार्डिंग आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं CH2, 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 CH2। ये ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं। N की वैल्यू अगर यहाँ पे 5 रख दें तो क्या आएगा C5H10, उसके लिए आप बना सकते हैं स्ट्रक्चर। इस तरह से तो ये रहा एलीसाइक्लिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन ही रिंग का पार्ट हो और सब क्या हो इस जनरल फार्मूले को सेटिस्फाई करते हो, ठीक है। आगे देखते हैं दूसरे पार्ट पे आते हैं एरोमेटिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड। ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग वन और मोर बेंजीन रिंग एंड आल्सो देयर फंक्शनलाइज्ड डेरिवेटिव आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड। यार बोला गया है एरोमेटिक कंपाउंड या एरोमेटिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड वो कंपाउंड है जो बेंजीन एक या एक से ज्यादा बेंजीन रिंग हो या उसके फंक्शनलाइज्ड डेरिवेटिव हो। अगर ऐसे कंपाउंड होते हैं उन्हें क्या बोलेंगे, होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड या एरोमेटिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड। जैसे एग्जांपल में नाम बेंजीन का आया है तो सबसे पहले बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये बेंजीन पहला एरोमेटिक कंपाउंड है, आप सब जानते ही होंगे इसके बारे में, ये बेंजीन है। अच्छा बोला गया है एक या एक से ज्यादा बेंजीन रिंग हो तो दो रिंग अगर आपस में हो कुछ इस तरह से तो ये भी क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। इसका नाम होता है नेफ्थलीन। और बेंजीन रिंग हो सकते हैं, कुछ इस तरह से। इसका नाम होता है एंथ्रासीन। अब फंक्शनलाइज्ड डेरिवेटिव का क्या मतलब है, इसके ऊपर कोई इसका फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट्स लगाओ। डेरिवेटिव का मतलब जैसे कि ये बेंजीन है, बेंजीन पे मैंने इसका CH3 लिख दिया। अब ये इसका नाम एक्चुअली ये टॉलुइन है, मैं इसका नाम आगे बताऊंगा, अभी आपको बहुत पैनिक नहीं होना है कि ये टॉलुइन मुझे कैसे पता होगा। इसके डेरिवेटिव का मतलब इस पर कोई ग्रुप लगा हुआ हो, जैसे मैंने यहाँ पे NH2 लगा दिया, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। इसका नाम होता है एनिलीन होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने OH लगा दिया, ऑब्वियसली इसका नाम फिनॉल होता है, ठीक है। बहुत सारे हो सकते हैं, जितना मैं चाहूँ उतना लिख सकता हूँ। तो ये सब क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड है, एरोमेटिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड है। अब एरोमेटिक ड्यू टू बेंजीन रिंग एरोमेटिक है, होमोसाइक्लिक का मतलब क्या, उस रिंग में केवल केवल कार्बन एटम है, इसीलिए इसे बोल रहे हैं एरोमेटिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। ओके, अगली क्लासिफिकेशन को देखते हैं। बोला गया हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या है, इसका मीनिंग क्या है समझते हैं। ए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड और रिंग स्ट्रक्चर इज ए साइक्लिक कंपाउंड दैट हैज एटम्स ऑफ एट लीस्ट टू डिफरेंट एलिमेंट ऑफ रिंग ऑफ एज रिंग ऑफ एज ए मेंबर ऑफ रिंग। बोला गया है कि जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है ये भी एक साइक्लिक कंपाउंड होता है, लेकिन इस साइक्लिक कंपाउंड की खास बात यह है कि सारे के सारे जो मेंबर होंगे रिंग के वो एक नहीं होंगे, डिफरेंट जरूर होगा, कम से कम एक या दो डिफरेंट होगा ही होगा। जैसे अभी तक हम लोग रिंग बना रहे थे उसमें सारा का सारा क्या था,
कार्बन के ही रिंग थे, लेकिन अब जब हम देखेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, तो किसी साइक्लिक कंपाउंड को हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हम तब बोल पाएंगे जब उस कंपाउंड में कम से कम एक एटम डिफरेंट हो बाकी से। क्या है ये, मैंने एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, अगर इसमें देखें तो इस ये साइक्लिक कंपाउंड है, इस पूरे रिंग में कितने एटम रिंग का पार्ट है अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 एटम इस रिंग का पार्ट है, लेकिन इस 6 में 5 क्या है, कार्बन है, एक क्या है, नाइट्रोजन है। तो इस कंपाउंड को क्या बोल सकते हैं हम, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड किसी एक कंपाउंड का नाम नहीं है, वो एक जनरल नाम है, हम किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं। बस उसमें खास बात ये होना चाहिए कि उस रिंग में दो डिफरेंट कम से कम एटम हो, ठीक है। इसका नाम होता है पिरिडीन, मैं कुछ नाम लिखते चल रहा हूँ, आप बार बार आएगा तो याद हो जाएगा। तो ये पिरिडीन एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है। अब मैं बहुत सारे नाम लिख सकता हूँ, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूँ ये, जैसे ये देखिए, इसमें अगर आप देखेंगे तो 5 एटम रिंग का पार्ट है, 1 2 3 4 5 पांच एटम जो है रिंग का पार्ट है, लेकिन इसमें 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये कंपाउंड भी क्या बोला जाएगा, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। इसका नाम होता है फ्यूरॉन। क्या नाम होता है, फ्यूरॉन इसका नाम होता है। जैसे ये देखिए, इसमें भी अगर आप देखेंगे 4 कार्बन जो है मेंबर रिंग का पार्ट है, एक ऑक्सीजन का पार्ट है, ठीक है। तो इसका नाम होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। इन शॉर्ट इसे हम लोग THF पढ़ेंगे, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन को हम शॉर्ट में क्या पढ़ेंगे, THF पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि अगर मैं एक और ले लूं, देखिए इसमें अगर आप देखें तो ये भी 6 मेंबर की रिंग नजर आ रही है, 1 2 3 4 5 6, जिसमें से 5 एटम जो है वो कार्बन है, एक एटम क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है। इसका नाम होता है पायरेन, ठीक है। जैसे अगर आप देखिए ये क्या है, ये भी एक रिंग कंपाउंड है जिसमें 4 रिंग जो है, सॉरी 4 एटम जो है वो कार्बन है, एक नाइट्रोजन है। तो ये भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, इसका नाम होता है पायरोल। इसका नाम होता है पायरोल। बहुत सारे कंपाउंड मैं ऐसे लिख सकता हूं, जैसे ये देखिए, ये भी एक रिंग कंपाउंड है, इस रिंग में 4 एटम जो है वो कार्बन है, एक क्या है, सल्फर है, ठीक है। अब ये भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, इसका नाम होता है थायोफीन। समझ रहे हैं? तो मैं बहुत सारे लिखने का प्रयास नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे जितना आप सोच भी नहीं सकते, जितना आप बना सकते, कुछ भी आप ड्रा कर दीजिए, बस क्या हो वो उसमें से दो एटम डिफरेंट हो, ठीक है। उसमें दो एटम क्या हो, डिफरेंट हो, अगर ऐसा होता है तो वो क्या बोला जाएगा, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोला जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक बात मैं और इसे पूछूं कि भैया ये क्या है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अगर मैं पूछूं इसमें हेट्रो एटम क्या है, हेट्रो एटम, ध्यान दीजिएगा, जो दूसरे के अलावा प्रेजेंट होता है उसे हेट्रो एटम बोलते हैं। यहाँ नाइट्रोजन क्या है, हेट्रो एटम। इस हेट्रोसाइकिल में ऑक्सीजन इज द हेट्रो एटम, दिस इज ऑल्सो ऑक्सीजन हेट्रो एटम। तो किसी कंपाउंड में ये भी पूछा जा सकता है कि टोटल नंबर ऑफ हेट्रो एटम बताओ, मतलब उस रिंग में जो बाकी के अलावा प्रेजेंट हो, जैसे कि 4 कार्बन 1 सल्फर आ गया, तो उसमें सल्फर इज द हेट्रो एटम, मतलब कार्बन के अलावा कोई एटम प्रेजेंट हो किसी रिंग में तो वो हेट्रो एटम होगा उस रिंग का, ठीक है। इसे आप नोट कर लीजिए।
जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है छोटा सा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। आपके अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए मैंने पूछा कि इसमें से कौन सा कंपाउंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। तो आपने जैसे ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का नाम सुना, वैसे आपकी आंखों में इस तरह की चमक आएगी कि भैया रिंग होना चाहिए, लेकिन उस रिंग में कार्बन के अलावा भी एटम प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, अगर केवल कार्बन है तो यार कार्बोसाइक्लिक हो गया, होमोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया, वो हेट्रोसाइक्लिक नहीं है। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब बस क्या है कि कार्बन के अलावा भी कोई एटम प्रेजेंट हो, वो एटम कुछ भी हो सकता है। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें केवल कार्बन है। अच्छा, इसमें देखेंगे तो कार्बन भी है, नाइट्रोजन भी, लेकिन रिंग में क्या है भैया, रिंग में केवल कार्बन है तो हेट्रोसाइक्लिक नहीं हुआ। इसको अगर आप देखेंगे तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 मेंबर की रिंग है, लेकिन दो नाइट्रोजन उस 6 मेंबर रिंग का हिस्सा है, मतलब दो एटम इसमें जो है वो कार्बन के अलावा है, तो भैया ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। क्या ये नहीं भैया, तो रिंग होमोसाइक्लिक है और आपको नजर आ रहा है कि ये बेंजीन है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, तो इसे नोट देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगली बात करते हैं टाइप्स ऑफ कार्बन एटम। कुछ लोगों को दिमाग में पढ़ के आ रहा होगा सर अभी तो टाइप कार्बन तो हमने एक ही टाइप से पढ़ा, यही आप कुछ नया पढ़ाने वाले हैं क्या? तो मैं नहीं बोला भैया ये वाला कार्बन पढ़ाऊंगा, मैं ये वाला कार्बन पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि कार्बन कितने टाइप का है। कार्बन का टाइप से मेरा दूसरा सेंस है, उसका क्या सेंस है उसे समझते हैं। टाइप्स ऑफ कार्बन आइटम के बारे में हम लोग सोच रहे हैं, तो जरा देखिए इसमें क्या लिखा है। कार्बन कैन बी क्लासीफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वार्टरनरी डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम इट इज बॉन्डेड टू द कार्बन एटम। कार्बन को चार तरीके से बोल रहे हैं ये क्लासीफाई किया जा सकता है, एक तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वार्टरनरी। वो डिपेंड करेगा कि कौन सा कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। जैसे प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन कब बोलेंगे, जब कोई कार्बन केवल एक कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है उसे क्या बोलेंगे, प्राइमरी कार्बन। जैसे क्या लिखने वाले हम लोग, कार्बन एटम अटैच्ड टू वन अदर कार्बन। बोल रहा है कार्बन एटम अटैच टू वन अदर कार्बन। ठीक है, एक ऐसा कार्बन जो केवल एक ही कार्बन से अटैच, उसे क्या बोलेंगे, प्राइमरी कार्बन या वन डिग्री। ध्यान दीजिएगा ये डिग्री में भी कभी बोलते हैं, वन डिग्री। ठीक है, सेकेंडरी कार्बन बिल्कुल इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए चले जाना है, सेकेंडरी कार्बन या टू डिग्री कार्बन कब बोलेंगे, ऑब्वियसली कार्बन आइटम अटैच्ड टू डिफरेंट कार्बन। ओके, तो लिख लेंगे कार्बन आइटम अटैच्ड, प्राइमरी कार्बन बोला कार्बन एटम अटैच्ड विथ वन अदर कार्बन। प्राइमरी कार्बन या वन डिग्री कार्बन उसे बोलेंगे जो एक दूसरे कार्बन से जुड़ा हो। सेकेंडरी कार्बन या टू डिग्री कार्बन का बोलेंगे कार्बन एटम अटैच्ड विथ टू अदर कार्बन, यानी एक ऐसा कार्बन जो दो अलग कार्बन से जुड़ा हो उसे सेकेंडरी या टू डिग्री बोलेंगे। टर्शरी कार्बन, कार्बन एटम अटैच्ड विथ थ्री अदर कार्बन, टर्शरी कार्बन उसे बोलेंगे जो तीन अलग कार्बन से जुड़ा हो। क्वार्टनरी कार्बन, कार्बन आइटम अटैच्ड विथ फोर अदर कार्बन। ठीक है, ये तो सब लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से था, अब समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो कुछ एग्जाम्पल से इसी बात को थोड़ा सा स्पष्ट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल उन्होंने लिखा CH3 CH3। अच्छा, अब मैं पूछूं कि इस कार्बन की डिग्री बताओ, इस कार्बन की डिग्री बताओ, तो आप देखोगे ये कितने कार्बन से जुड़ा है, केवल एक कार्बन थी, ये इससे जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन को क्या बोलेंगे, प्राइमरी कार्बन या वन डिग्री कार्बन। ध्यान दीजिए, इस कार्बन को क्या बोलेंगे, प्राइमरी कार्बन या वन डिग्री कार्बन। सिमिलरली इस कार्बन को क्या बोलेंगे, ये भी भैया एक ही से जुड़ा हुआ है, तो इसको भी क्या बोलेंगे, प्राइमरी या वन डिग्री कार्बन। बात समझ में आई। ऐसे कुछ और एग्जाम्पल लें, अगर जैसे ये CH3 CH2 CH2 CH3,
ये हमने लिख दिया। अब इसमें मैं देखना चाहता हूँ कि कितने टाइप के कार्बन आइटम प्रेजेंट हैं, इसको जरा देख के बताओ कितने कार्बन से जुड़ा है। तो आप देख पाओगे ये इसी से केवल जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, तो इसीलिए ये कार्बन कौन सा है, 1 डिग्री या प्राइमरी। अच्छा इसको जरा देखो, इसको अगर आप देखोगे तो इस कार्बन से भी जुड़ा हुआ एक बॉन्ड, इस कार्बन से भी जुड़ा हुआ एक बॉन्ड, तो मतलब ये कार्बन ओवरऑल दो अलग कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इस कार्बन को क्या बोल रहे हैं, 2 डिग्री कार्बन। इस कार्बन को जरा देखो, इससे क्या बोलेंगे, ये कार्बन भी इससे जुड़ा हुआ है, ये कार्बन भी इससे जुड़ा हुआ, मतलब दो बॉन्ड बनाया हुआ अलग अलग कार्बन से, तो ये भी 2 डिग्री। इसको क्या बोलोगे कितने से जुड़ा हुआ है, एक से जुड़ा हुआ केवल इससे, इसे क्या बोलोगे, 1 डिग्री कार्बन। फॉर एग्जाम्पल कुछ और लेते हैं, CH3, CH, CH3, CH2, CH3। ये देखिए, अगर मैं इसमें पूछूं ये कार्बन कितना डिग्री है, तो देख पाओगे कि भैया एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 1 डिग्री है। अब इस कार्बन को जरा देखिए, इस कार्बन को ये देखोगे तो आप इधर भी जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, ये इससे भी जुड़ा हुआ है, ये इससे भी जुड़ा हुआ है, ये इससे भी जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन भैया 3 डिग्री में बोल दूं कोई गलत नहीं होगा। अच्छा नीचे वाला कार्बन बताओ, ये CH3 किससे जुड़ा हुआ है, ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, केवल एक कार्बन से, तो ये 1 डिग्री है। इसको जरा देख के बताओ, इसको अगर देख के बताओगे तो एक कार्बन इधर जुड़ा हुआ है, एक कार्बन इधर जुड़ा हुआ है, तो भैया ये कार्बन कितना है, 2 डिग्री। सिमिलरली अगर इस कार्बन को आप देखोगे तो केवल एक ही से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है, 1 डिग्री। आई होप बात समझ में आ रही होगी यहाँ पे डिग्री ऑफ कार्बन का। और अगर एक एग्जाम्पल लें, CH3, CH, CH3, CH2, CH3, CH3 एंड CH3, इस कंपाउंड में मैं जानना चाहता हूँ कितने टाइप के कार्बन प्रेजेंट है, तो वही पैटर्न, इसको क्या बोल दें, 1 डिग्री चलेगा क्योंकि एक ही जुड़ा हुआ। इसको जरा देखो, इधर भी जुड़ा नीचे भी, तो ये क्या, 3 डिग्री है। इसको जरा देखो, इस कार्बन को, ये केवल एक से जुड़ा हुआ, तो 1 डिग्री। भैया ये किसने से जुड़ा हुआ है, एक इधर, तो इसे मैं 2 डिग्री बोल दूँ, बुरा नहीं मानेंगे, 2 डिग्री। इस कार्बन को जरा देखो, इस कार्बन को, एक ऊपर, एक राइट, एक लेफ्ट, एक नीचे, टोटल 4 कार्बन से जुड़ा हुआ भैया, तो ये वाला कार्बन कितने डिग्री का है, 4 डिग्री का। अच्छा ऊपर वाला कार्बन, ये तो एक ही से जुड़ा हुआ केवल नीचे, तो ये 1 डिग्री। ये कितने से जुड़ा हुआ, ये भी केवल एक से जुड़ा है, तो ये भी 1 डिग्री। ये कितने से जुड़ा हुआ, केवल एक से, तो ये 1 डिग्री। समझ पा रहे हैं, तो ये तो हम लोगों ने इस तरह से देख लिया। अच्छा क्या रिंग में पहचान के बता पाएंगे, अगर मैं रिंग में बोल दूं, रिंग में अगर मैं बोल दूं कितने कार्बन है, जरा देखिए ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन, तो ये देखो एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर, तो ये 2 डिग्री है। सिमिलरली ये एक कार्बन, तो ये 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री क्योंकि एक इधर, ये भी 2 डिग्री। ये भैया कितने कार्बन से जुड़ा हुआ, ये वाला, एक देख रहे हो ऊपर वाले कार्बन से, इधर वाले कार्बन से, एक इधर वाले कार्बन से, ये क्या है, 3 डिग्री। सिमिलरली ये कार्बन इधर भी जुड़ा है, इधर भी जुड़ा, इधर भी जुड़ा हुआ है, तो ये 3 डिग्री, और बाकी सब 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, और ये भी 2 डिग्री। क्या यार रिंग में कभी 1 डिग्री कार्बन हो सकता है, ऐसा नहीं, मतलब अगर कोई नॉर्मल रिंग भी होगा, कोई नॉर्मल रिंग भी होगा, तो उसमें भी केवल और केवल 2 डिग्री ही होंगे। देखिए इसे मैंने ये बना दिया, इसमें अगर आप देखेंगे तो हर कार्बन कितने डिग्री है, 2 डिग्री, क्योंकि हर कार्बन दो एटम कार्बन से जुड़ा है, ये इससे इससे जुड़ा है, ये इससे इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे इससे जुड़ा हुआ है, यानी इसमें हर आइटम कितना है, 2 डिग्री। हर आइटम क्या है, 2 डिग्री, क्या है, 2 डिग्री। तो आई थिंक आपको कार्बन की डिग्री पहचानना आ गया होगा, कोई भी कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, बस वो देख के उस कार्बन की डिग्री बता देनी होती है। अच्छा अब एक बात मैं यहीं पे और आपको समझाना चाह रहा हूँ, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन,
डिग्री ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है। जैसे आपने पहचान लिया डिग्री ऑफ कार्बन, वैसे ही डिग्री ऑफ हाइड्रोजन भी पहचान सकते हैं। सपोज दैट आपने 1 डिग्री कार्बन को देखा, तो 1 डिग्री कार्बन के पास जितने भी हाइड्रोजन हो उसे 1 डिग्री हाइड्रोजन बोलते हैं। क्या मैंने बोला? 1 डिग्री कार्बन के पास जितने भी जुड़े हुए हाइड्रोजन हो वो सब क्या होते हैं? 1 डिग्री हाइड्रोजन। जरा इसमें देखो, ये 1 डिग्री कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन? 3। इसमें कितने हाइड्रोजन? 3। तो इस पूरे मॉलिक्यूल में 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? अगर मैं पूछूं इसमें 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, तो 3 3 6 6 है 1 डिग्री हाइड्रोजन। अच्छा, अगर मैं पूछूं इसमें भैया पूरे इंट्रायर मॉलिक्यूल में मैं पूछूं 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, तो 1 डिग्री कार्बन देखो, ये 1 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन के पास 3 यहां और ये 3 यहां, 6 हाइड्रोजन। अच्छा, मैं साथ ही पूछूं भैया 2 डिग्री हाइड्रोजन बता दो, तो क्या मुश्किल काम होगा? 2 डिग्री कार्बन के पास जो भी हाइड्रोजन होते हैं उसे 2 डिग्री हाइड्रोजन बोलते हैं। 2 2 4, यहाँ पे 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 हो गए। सिमिलरली यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, अगर यहाँ पे पूछूं भैया 1 डिग्री हाइड्रोजन बताओ कितने हैं, 1 डिग्री हाइड्रोजन बताओ कितने हैं, तो 1 डिग्री कार्बन कितने हैं? 1 2 3, हर 1 डिग्री कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, 3 3 6 3 9, कितने हाइड्रोजन हो गए? 9। अच्छा, अब मैं साथ में यही पूछ लूँ आपसे भैया कि 2 डिग्री हाइड्रोजन बताओ, 2 डिग्री हाइड्रोजन, तो एक ही 2 डिग्री कार्बन है उसके पास 2 डिग्री कितने होंगे? 2। 3 डिग्री पूछ लूँ अगर मैं यहीं पे, 3 डिग्री हाइड्रोजन, तो 3 डिग्री कार्बन कितने हैं? 1, उसके पास एक ही हाइड्रोजन है इस तरफ। इसमें जरा देख के बताओ, इसमें बताओ, अगर इसमें मैं पूछूं 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, तो पहले 1 डिग्री कार्बन देखो, 1 2 3 4 5, 5 है भैया 1 डिग्री कार्बन, और 1 डिग्री कार्बन के पास हर 1 डिग्री कार्बन के पास 3 होते हैं, तो 3 5 15, यानी 15 हो गए। नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन जरा बताओ इसमें कितने हैं, तो 2 डिग्री भैया एक ही कार्बन है, तो उसके पास 2 हाइड्रोजन। अगर मैं पूछूं 3 डिग्री हाइड्रोजन इसमें बताओ, तो भैया एक ही 3 डिग्री कार्बन, उसके जो पास एक ही H है, तो 1। अगर मैं पूछूं 4 डिग्री हाइड्रोजन बताओ, 4 डिग्री हाइड्रोजन, 4 डिग्री कार्बन तो है भैया लेकिन उसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो ये बात तो हमेशा ध्यान रखिए कि 4 डिग्री कार्बन के पास कभी कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, ये बात याद कर लीजिए या ध्यान रख लीजिए, या जैसे भी आप देख पा रहे हैं तो आप देख लीजिए, क्योंकि अगर भैया वो 4 बैलेंसी उसकी 4 अलग अलग कार्बन के साथ सेटिस्फाई है तो उसके पास एक्स्ट्रा हाइड्रोजन कहाँ से आएगा? ठीक है, तो आई थिंक अब आपको बात स्पष्ट समझ में आ रही होगी कि डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है। सिमिलरली अगर मैं इसमें पूछूं डिग्री ऑफ, उसमें 2 डिग्री हाइड्रोजन मैं पूछ लूं कितना है, तो जितने 2 डिग्री कार्बन देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है इसमें 2 डिग्री हाइड्रोजन कार्बन, और हर कार्बन के पास कितने होते हैं? 2 हाइड्रोजन, तो क्या हो जाएंगे? 16 हाइड्रोजन हो जाएंगे, कौन से? 2 डिग्री। अगर मैं पूछ लूँ 3 डिग्री भैया बता दो, तो 3 डिग्री पास एक एच यहाँ होंगे, एक एच यहाँ, 2। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पूछ लूँ 2 डिग्री हाइड्रोजन, तो 5 ही कार्बन है 2 डिग्री, तो 5 2 10, 10 हाइड्रोजन। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको डिग्री ऑफ कार्बन पहचानना आ गया होगा, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन काउंट करना आ गया होगा, समझ में आ रहा। तो इसी से रिलेटेड हमें नंबर ऑफ कार्बन पहचानना होता कि कौन सा डिग्री है। डिग्री बहुत ही जरूरी है क्योंकि आगे चल के आपको पूछ केवल मेंशन के भैया किसके पास 3 डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन है, इससे आसानी रहती है काफी चीजों को आइडेंटिफाई करने में। जैसे एक छोटा सा मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे, द टोटल नंबर ऑफ सेकेंडरी कार्बन एंड हाइड्रोजन आर रिस्पेक्टिवली इन गिवन कंपाउंड। ये एक कंपाउंड दिया गया है, इसमें टोटल नंबर ऑफ सेकेंडरी कार्बन एंड सेकेंडरी हाइड्रोजन बताना है, तो इसको मैं थोड़ा सा इसे एक्सपेंड करके मैं लिख सकता हूँ इसको। आप थोड़ा सा अभी जिसको इतना देखने की आदत नहीं है उसके लिए मैं थोड़ा सा आसान कर दे रहा हूँ। ये भैया CH3 होता है, यहाँ पे CH है, यहाँ पे CL है,
यहाँ पे भी CH है, यहाँ पे BR है और ये CH3 है। यानी जो कंपाउंड आपको ये दिख रहा है वो कुछ ऐसा ही फॉर्म है। इसे बॉन्ड लाइन नोटेशन बोलते हैं, हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। इसको जरा देखिए इसमें क्या है, 2 डिग्री कार्बन, यानी सेकेंडरी का मतलब 2 डिग्री कार्बन, यानी 2 डिग्री कार्बन पहचानना है। अच्छा, 2 डिग्री कार्बन पहचानते कैसे हैं? एक ऐसा कार्बन एटम जो डायरेक्टली दो अलग कार्बन से जुड़ा हुआ उसे 2 डिग्री। ये कौन सा डिग्री कार्बन है जरा पहचानिए, ये वाला कार्बन कौन सा डिग्री है? भैया बोल रहे हैं कि ये तो 1 डिग्री है, क्यों? क्योंकि एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ। ये कितने डिग्री कार्बन है ध्यान दीजिएगा, 1, 2, 3, क्या 3 डिग्री है? गलत भैया, ये ऊपर क्लोरीन है, कार्बन नहीं है, एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, तो ये 2 डिग्री कार्बन ही है, ध्यान दीजिएगा। इसके बारे में क्या कहेंगे, नीचे ब्रोमीन है तो ब्रोमीन से मतलब नहीं, कार्बन से मतलब होता, एक इधर कार्बन एक इधर कार्बन है, तो ये भी क्या है 2 डिग्री। इसको जरा देखिए, इधर कार्बन ये क्या है 1 डिग्री। यानी अब तक तो हम इस इंटायर मॉलिक्यूल में हम ये देख पा रहे हैं कौन कार्बन 1 डिग्री है कौन 2 डिग्री है, यानी हमें 2 डिग्री कार्बन कितने नजर आए, 2 डिग्री, मैं बोलूं 2 डिग्री कार्बन एटम जो आए वो कितना आए भैया, 2 आ गए। 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम कितने आए, इस 2 डिग्री कार्बन के पास एक हाइड्रोजन, इस 2 डिग्री के पास एक हाइड्रोजन, तो यहां पे 2 आ गया। यानी 2 है 2 डिग्री कार्बन और 2 ही है 2 डिग्री हाइड्रोजन, तो इस तरह से ये वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप आसानी से किसी कंपाउंड में डिग्री ऑफ कार्बन और डिग्री ऑफ हाइड्रोजन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं डिग्री से रिलेटेड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज ओनली 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पूछ रहा है कौन सा कंपाउंड ऐसा है जिसके पास केवल 2 डिग्री हाइड्रोजन है। चेक करते हैं, पहले वाले ऑप्शन में देखिए, ये तो भैया 1 डिग्री कार्बन है। अच्छा, 1 डिग्री कार्बन के साथ 3 1 डिग्री हाइड्रोजन है, तो इसके साथ तो नहीं, क्योंकि इसमें पूछा है क्या, पूछा है केवल भैया हमें पास 2 डिग्री हाइड्रोजन वाले कंपाउंड चाहिए, तो इसमें 1 डिग्री वाला भी है, इसको अगर आप देखें तो 3 डिग्री वाला भी है, तो ये वाला आंसर तो नहीं होगा। इसके पास अगर आए तो इसके पास देखें तो ये सारे जिसको मैं अभी थोड़ा सा आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये सारे के सारे कौन से कार्बन है, ये 2 डिग्री वाले हैं, तो ये 2 डिग्री वाले कार्बन तो है, ले सब सारे के सारे 2 डिग्री हाइड्रोजन होंगे। लेकिन अगर आप देखें जिसको मैं इस तरह से एरो से दिखा रहा हूँ, ये वाले कार्बन क्या है, ये वाले कार्बन 3 डिग्री है, और इस 3 डिग्री कार्बन के पास भी एक एक 3 डिग्री हाइड्रोजन होगा, तो ये भी हमारे आंसर का पार्ट नहीं है। इसके पास अगर आप देखें, इसके पास अगर मैं आप देखें तो ये वाला कार्बन क्या है 2 डिग्री, ये क्या है 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, 2 डिग्री और ये 3 डिग्री, इसमें भी 2 डिग्री है 3 डिग्री है। लेकिन एक बात इसमें देखिए, 3 डिग्री कार्बन तो है, लेकिन इस 3 डिग्री कार्बन के पास कोई 3 डिग्री हाइड्रोजन नहीं है। ऐसा क्यों? पाई बांड की वजह से। जरा इसको मैं थोड़ा देखिए, इस तरह से मैं दिखा रहा हूं, इस तरह से थोड़ा सा मैं बेहतर बनाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। देखिए, इस तरह से हमने दिखाया और हर कहीं एक पाई बांड, एक पाई बांड यहां, एक पाई बांड यहां और एक पाई बांड यहां। कुछ गड़बड़ है यार, हाँ यहाँ गड़बड़ है स्ट्रक्चर में यार, यहाँ पे ऐसा बांड बन गया था कि इसकी बैलेंस ही एक्सटेंड कर गई थी। इस तरह से ये पाई बांड यहाँ होगा, एक पाई बांड यहाँ होगा, सॉरी अबाउट दैट, कुछ इस तरह से होगा। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो किस तरह से अरेंजमेंट देखेंगे, अब इस कार्बन को अगर आप देखें, इस कार्बन को अगर आप देखें कितने कार्बन जुड़ा है, एक इधर, तो ये वाला कार्बन कौन सा है 2 डिग्री, जैसे कि मैंने बोला ये कार्बन एक इधर कार्बन जुड़ा है, एक इधर कार्बन है, तो ये भी क्या है 2 डिग्री। ये कार्बन इधर जुड़ा हुआ है, इधर जुड़ा हुआ, तो ये भी क्या है 2 डिग्री। ये कार्बन इधर भी जुड़ा हुआ, इधर भी, तो ये 2 डिग्री। सिमिलरली जैसे ये सिमेट्री की वजह से इधर 2 डिग्री है, तो ये भी सब 2 डिग्री ही होगा। यहाँ पे एक हमने कार्बन को मिस कर दिया है,
यहाँ पे एक कार्बन और होगा, ठीक है। तो ये 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री और ये भी 2 डिग्री। सिमिलरली अगर आप देखें भैया तो ये 3 डिग्री है, नीचे भी 3 डिग्री, क्यों? ये कार्बन इधर जुड़ा है, एक एक इधर, एक इधर। सिमिलरली ये कार्बन इधर कार्बन से, इधर कार्बन से और नीचे कार्बन से। तो इस पूरे मॉलिक्यूल में क्या है, 2 टाइप के कार्बन है, कौन कौन से? 2 डिग्री और 3 डिग्री। अच्छा आप 2 डिग्री 3 डिग्री में जरा देखिए हाइड्रोजन कितने टाइप्स के हैं। अगर इसमें कंपाउंड में पूछूं कि 2 डिग्री हाइड्रोजन हैं कितने, तो ये 2 डिग्री कार्बन, इसके पास एक, हर 2 डिग्री कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन है। तो अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इसमें क्या है, 2 डिग्री। व्हाट अबाउट 3 डिग्री? 3 डिग्री कार्बन तो है भैया, लेकिन इस 3 डिग्री कार्बन के पास क्या कोई हाइड्रोजन है? नहीं, क्यों? क्योंकि इस पाई बॉन्ड की वजह से हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो 0। तो क्या इसमें समझ में आया कि इस पूरे मॉलिक्यूल में जिसे हम लोग नफ्तलीन बोल रहे थे, उस मॉलिक्यूल में टोटल 2 डिग्री हाइड्रोजन 8 आए और 3 डिग्री नहीं? तो क्या यही अपने आंसर का पार्ट है? क्यों? क्योंकि हमें चाहिए क्या थे, ऐसे कंपाउंड चाहिए थे जिसमें केवल केवल क्या हो, 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम ही हो। अच्छा इसको चेक कर लेते हैं, लगे आप इसमें अगर आप देखें तो ये वाला कार्बन क्या है, 3 डिग्री है, ये वाला कार्बन क्या है, 3 डिग्री, और ऑब्वियसली इसके पास एक एक हाइड्रोजन भी अवेलेबल है, एक एक हाइड्रोजन भी अवेलेबल है, तो इसके पास, और ये सब 2 डिग्री है, ये सब 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री के साथ 3 डिग्री कार्बन और हाइड्रोजन भी अवेलेबल है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। एक और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन लिखा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज मैक्सिमम 1 डिग्री कार्बन एटम। पूछा गया है चारों ऑप्शन में से कौन सा कंपाउंड है जिसमें ज्यादा से ज्यादा 1 डिग्री कार्बन है। तो अगर आप इसमें देखें तो 1 डिग्री कार्बन ये है, 1 डिग्री कार्बन ये है, 1 डिग्री कार्बन ये और 1 डिग्री कार्बन ये, यानी 1 2 3 4, 4 है इसमें 1 डिग्री कार्बन। इसमें अगर आप देखें तो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, 2 ही केवल है। इसमें अगर आप देखें तो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, 2 3 और 1 4। इसमें अगर आप देखें भैया 1 2 3 4 5 6, 6 1 डिग्री कार्बन है, 2 4 डिग्री कार्बन है। तो सबसे ज्यादा 1 डिग्री कार्बन जो है इसी कंपाउंड, ठीक है। तो आई होप कि आपको बात ही समझ में आ रही होगी कि 1 डिग्री कार्बन क्या होते हैं और 2 डिग्री कार्बन क्या होते हैं, उससे रिलेटेड कैसे हम लोग 1 डिग्री 2 डिग्री हाइड्रोजन पहचानते हैं। तो आज के क्लास को बस इतना ही रखते हैं, यहीं पर रखते हैं। अब आज की क्लास में हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लासिफिकेशन को समझा, सबके मीनिंग सिग्निफिकेंट को समझा कि कैसे कैसे क्लासिफाई होंगे और किसी नाम के साथ क्या इंटरप्रिटेशन उसका होता है, कैसे पहचानेंगे साइक्लिक, कैसे पहचानेंगे ओपन चैन, क्या सैचुरेटेड होते हैं क्या अनसैचुरेटेड होते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखिएगा, इसको रिवाइज करके आइएगा और अगली क्लास में हम लोग इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। Thank you for patience to keep watching. Good luck.